करते हैं। सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था, कुछ दो क्वेश्चंस रह गए थे हमारे एनसीईआरटी के, दो क्वेश्चंस रह गए थे। सो वही कंप्लीट करते हैं आज, ठीक है? ठीक है क्या आलवेन सुन रहे? या सो लेट्स डू द सिक्स्थ वन जल्दी जल्दी। आज इस चैप्टर को लाइक आज जो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? सो आज हमारी बैच की क्लासेस चलो चलो जल्दी से ये सॉल्व करने की ट्राई करो, मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का। आज हम लोगों ने सारे सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड, मैं जरा अभी स्क्रीन ऊपर कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कर दूँ। ठीक है ये रहा क्वेश्चन आपका। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ई। कुछ सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है यार ये, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है हम लोगों ने कल किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है कुछ। पहले तो फिगर बना के ट्राई करो, आप फिगर बनाओ आपकी। चलो मैं फिगर भी बना देता हूँ, छोड़ो मैं फिगर भी बना देता हूँ आपकी। फिगर ही मेन थी, मैं फिगर बना देता हूँ आपका, आंसर आ जाएगा इसके अंदर कि बेसिकली एक आपका क्वाड्रिलेटरल है। सो ये आपका क्वाड्रिलेटरल है गैल्विन और सिमिलर, ठीक है? सो आपकी ऑपोजिट साइड्स ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपका डायगोनल, बोलो क्लियर है? और ये फिर आपका एक डायगोनल यहाँ कट कर रहा है, तो अब इसमें आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसीडी आपका एक ट्राइंगल है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी एंड डी, ठीक है? अब उसके जो ये ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ई पॉइंट आपका, ठीक है गैल्विन और सिमरन? अब ये कह रहा है कि डी बी सी यानी कि ये एंगल आपका कितना गिवन है, 70 डिग्री, ठीक है? और आपका बी ए सी ये एंगल कितना गिवन है आपका, ये एंगल गिवन है आपका 30 डिग्री। आपको बताना है, अब ये भी चीज है कि इफ ए बी एन ए सी फर्दर इफ ए बी एन ए सी आर इक्वल, ए बी एंड बी सी, ए बी और बी सी अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ई सी डी, ये वाला वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बता दो आप। तो सॉल्व आपका सारा क्वेश्चन यहीं पे हो जाएगा, ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। अच्छा चलो ठीक है, हुआ कुछ आंसर समझ में आ रहा है आपको? इसमें कुछ कैलकुलेट करने लायक जी समझ में आया कुछ? गैल्विन सिमरन, कैसे चुप हो गए आप लोग? गैल्विन सिमरन, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? क्या यस हुआ, कैसे चुप हो आप लोग? आंसर आया कुछ? नो अच्छा चलो ठीक है, देखो मेरे साथ, देखो आप लोग क्वेश्चन देखो। अब ये देखो, सबसे पहले फिगर को देखते हैं, फिगर में ही आंसर छुपा है आपका। अब ये देखो गैल्विन और सिमरत, ये देखो ये जो ए डी सी ट्राइंगल है, और ट्राइंगल बी डी सी जो है, डी बी सी या बी डी सी जो भी कह लो आप, ए डी सी और बी डी सी, क्या ये सेम सेगमेंट पे है या नहीं? अगर आप इस लाइन को अगर हटा दो, अगर इस लाइन लाइन को अगर आप हटा दोगे, देखो क्या ये सेम सेगमेंट पे लाई कर रहे हैं या नहीं? जहां पे ये कॉर्ड है आपकी, सपोज करो ये ट्राइंगल आपके दो बन रहे हैं, सेम सेगमेंट पे हुए या नहीं, बोलो हाँ या ना। हाँ क्लियर है ये वाला पॉइंट? या तो यानी कि अगर ये 70 है, तो ये वाला एंगल भी तो 70 होगा गैल्विन और सिमरन। ये बताओ क्लियर हुआ या नहीं ये वाला पॉइंट? यस अब देखो, क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, यानी कि ये पूरा सम आपका कितना होगा? नहीं, ये नहीं, ये और ये मिला के 180 होगा ना। तो आपका अगर ये 100 है, तो ये कितना बचा, ये आपका 80 बचा, या सुनो बोलो, यस ये टोटल सम 80 है, टोटल सम 80 है, क्लियर है? तो यस यानी कि आपको एक ये वाला एंगल भी लेना है और ये वाला एंगल भी निकालना है पहले। तो अब गैल्विन और सिमरत, ये देखो आपको ए और बी, ए बी और बी सी इक्वल गिवेन है, बोलो हाँ या ना। यस मैं यहाँ पे ये इरेज कर देता हूँ जरा। मुझे लाइन दोबारा ही बनानी पड़ेगी, कोई बात नहीं। ठीक है, सो आपकी ये जो देखो, ये जो टोटल एंगल है, ये तो आपका वन, ये कितना है, 80 डिग्री है। समझ में आया कैसे हुआ है 80 डिग्री है? बोलो क्या आलमिन और सिमरत। यस ठीक है, सो दिस इज 80 डिग्री। अब सिमरत और गैल्विन, अब देखो ये एंगल, ये साइड और ये साइड अगर इक्वल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी नहीं है कि इफ द साइड्स आर इक्वल एंगल वुड बी इक्वल? तो अगर ये 80 में से 30 ये वाला एंगल है, तो ये कितना बचा? 50। ये था क्वेश्चन आपका सारा। आप देखो फिगर में सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। यस तो फिगर को समझना सीखो बच्चों, जैसे मैं बताता हूँ आपको, उस पर बहुत ध्यान से, और क्वेश्चन अपने आप से किया करो दोबारा जो क्लास में हुआ करे। अगर आप क्लास के बाद कुछ रिवाइज नहीं करोगे ना, आप सब भूल जाओगे, चाहे आप कितनी ही अच्छे से अभी क्लास में पढ़ लो, फिर उसके बाद अगर नहीं पढ़ोगे ना, सब भूल जाओगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन पार्ट, एंगल डीबीसी आपका कितना गिवन है, 70 डिग्री एंगल। टफ था क्वेश्चन ये, बताओ नो इजी था ना? गैल्विन आप हो क्लास में, ए बी यस और ए सर सी, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं, देखो एंगल सी ए डी और एंगल डी बी सी विल बी इक्वल, बोलो यस और नो। यस सी विल बी इक्वल्स टू एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, ठीक है, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, ठीक है। अब आप देखो टोटल एंगल बी ए सी क्या है, सी ए डी
प्लस बी ए सी ही तो है एंगल, आपका टोटल एंगल बी ए डी आपको मिल गया, दैट इज सी ए डी प्लस बी ए सी इज इक्वल्स टू 70 प्लस 30, कितना हो गया आपका, 100 हो गया, बोलो यस और नो। अब गैल्विन और सिमरत, आपका एंगल ए मिल गया और एंगल सी आपको ऐड करने पे 180 बनेगा क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। यस जस्ट अ सेकेंड यार, लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। ए बी सी डी था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए सी एंगल डी सी बी, ये टोटल एंगल डी सी बी है ना, 180 डिग्री। तो एंगल डी बी सी की, डी सी बी की वैल्यू कितनी है, 180 माइनस 100 इज कमिंग आउट टू बी 80 डिग्री, बोले ये सुनो। अब आपका एंगल एडीबीसी तो आ गया, अब आप देखो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, तो आपका ट्राइंगल ए बी सी इज, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एल्विन सम्रत बोलो तो यार, कुछ समझ में आ रहा है आपको या नहीं? हाँ जी ठीक है, अब आपका एबीसी जो है ट्राइंगल हो गया, तो इफ एबीसी इज दिस, तो एंगल ए वुड बी इक्वल, एंगल बीएसी वुड बी इक्वल्स टू एंगल बीसीए, एंगल बीएसी वुड बी इक्वल्स टू एंगल बीसीए, कितना होगा एंगल बीसीए और एंगल बीएसी, अगर ये 30 है तो ये भी तो 30 होगा ना, विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब आपको एंगल चाहिए ईसीडी, तो भाई टोटल एंगल में से अगर आप 30 माइनस कर दोगे तो ईसीडी ही तो बचेगा, तो आप यहां लिखो एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी ए प्लस एंगल ई सी डी। ठीक है, ई सी डी तो आपको चाहिए ई सी डी, ई सी डी विल बी इक्वल्स टू बी सी डी माइनस बी सी ए, तो कितना हुआ 80 माइनस 30, कितना हो जाता है आपका 50 डिग्री, ये आपका आंसर है। बताओ सुन रहे, तो गैल्विन समझ में आया आपको ये नहीं, सिंपल सा डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, आपको ये समझ में आया या नहीं बताओ जल्दी से, कोई यस डाउट है इसमें आप लोगों को? नो श्योर? फिगर देखो, फिगर में सारा आंसर छुपा हुआ था आपका। आई कुड डू द फिगर बट आई कुडंट राइट इट डियर ये प्रैक्टिस से ही आएगा। देखो अब यहाँ देखो, आप कोई ऐसी चीज है जो हम लोगों ने मतलब कुछ अलग से जाके की हो सर्कल से बाहर, नहीं ना? नो देखो यहां तक हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कर रखा, फिर उसके बाद ये भाई ऑलरेडी गिवन था, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल चैप्टर में पढ़ा था, तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल 30 हो गया, भाई टोटल एंगल 80 है, ये एंगल 30 हो गया, तो बचा कितना 50, यस और यस नो? यस ठीक है, तो बस ये सिंपल से था, ये 70 क्यों हुआ, क्योंकि अगर आप ये लाइन को हटा दो, देखो तो एंगल एडीसी और एंगल बीडीसी, जो एंगल बी और ए बन रहा है वो सेम सेगमेंट पे है, आपको थ्योरम याद है ये सेम सेगमेंट वाली, अब यस हमने देखो तीन चार क्वेश्चन में आया सेम सेगमेंट वाली थ्योरम की थी, देखो कल लास्ट वाला क्वेश्चन यही था, यस सेम सेगमेंट पे है थ्योरम, देखो सिमिलर फिगर है, बस ये लाइन खींच दोगे यहाँ पे तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, बोलो यस और नो? यस
विदाउट नो कैल तो है ही नहीं यार क्लास में, क्या हुआ पता नहीं, या ही लेफ्ट। आई थिंक कोई नेटवर्क इशू होगा अदरवाइज। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ट्राई करो इसे। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपके डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, देन द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर नथिंग बट, सॉरी जो जो क्वाड्रिलेटरल है वो आपका क्या होगा, वो होगा रेक्टेंगल। आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है बस। क्या हाँ गैलविन क्या हुआ, आपके नेटवर्क इशू हो गया बच्चे? ये सपोज करो ये आपकी, मैं फिगर बना देता हूँ। ये नहीं कहना ये स्क्वायर है, इस रेक्टेंगल प्रूफ करना है, वो दिखने में थोड़ा सा स्क्वायरिश लग रहा है बस, क्योंकि वो मैंने ड्रॉ इस तरीके से किया है। ठीक है बिल्कुल करेक्ट फिगर बनाए। मेरी ड्राइंग अच्छी हो गई है आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते। यस ठीक है तो आपको क्या प्रूफ करना है, जो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगी क्योंकि चार पॉइंट्स इसके सर्कमफ्रेंस पे है, तो आपके ऑपोजिट अगर आप डायगोनल्स को बेसिकली क्या करोगे, आपके डायमीटर ही तो हो गया देखो गैल्विन और सिमरथ, ऑपोजिट पॉइंट से लेकर सर्कल के ऑपोजिट पॉइंट से ही तो मैच कर रहा है ये। देखो डायमीटर ही तो है अल्टीमेटली, तो अब इसको भी आप डायमीटर ही, ये डायमीटर ही आपका। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रूफ है, ट्राई करो हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कैन वी प्रूव इट विद वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स? नहीं साइक्लिक नहीं क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से प्रूफ करना है बच्चे इसको, क्योंकि हम सर्कल चैप्टर पढ़ रहे हैं ना अभी, तो एक ना एक प्रॉपर्टी तो सर्कल की होनी चाहिए ना। यस बहुत सिंपल सा प्रूफ है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, ट्राई करो ये आपका हो जाएगा। मैं राइट नेमिंग दे देता हूँ, ट्राइंगल रेक्टेंगल सर्कल्स, उस रेक्टेंगल को यार ए बी। गैल्विन योर वॉइस इज नॉट कमिंग टू मी यस डियर, क्या हुआ नेटवर्क इशू है या क्या आपके कुछ? चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, नहीं चलो ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो, लास्ट वाला क्वेश्चन हो गया था, समझ में आ गया था आपको? तो ठीक है चलो ये क्वेश्चन करो। मैं लास्ट 2 मिनट्स हैं, जल्दी से क्वेश्चन करो फिर, अदरवाइज फिर मैं सॉल्व करता हूँ।
सिमरत गैलविन हुआ। नहीं अच्छा चलो देखो यार, देखो देखो देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी जो डायगनल्स है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, तो वो आपके डायमीटर है सर्कल के। तो हम लोगों ने यही किया, ड्रॉ कर लिया। तो अब हम लोगों को क्या प्रूफ करना है कि रेक्टेंगल है वो। अब रेक्टेंगल है तो हम लोगों को क्या प्रूफ करने की जरूरत है, सिमरत सिमरत और गैल्विन? हम लोगों को प्रूफ करने की जरूरत है कि ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। क्लियर है? यस देखो गिवन की बात करते हैं, आपका AC और BD इक्वल होंगे, बोलो यस और नो। भाई यस डायमीटर तो एक दूसरे के इक्वल होंगे ना, यस ठीक है। AC विल बी इक्वल्स टू BD, ठीक है। सिर्फ हमें इतना पता है कि AC BD के इक्वल है। सॉल्व, अब हम टू प्रूफ आप एक एंगल कर दो या सारे एंगल कर दो, बात बराबर है। तो जस्ट सपोज दैट हम लोग लिख देते हैं कि एंगल ए विल बी इक्वल्स टू एंगल बी विल बी इक्वल्स टू एंगल सी विल बी इक्वल्स टू एंगल डी। कितना होगा? 90 के बराबर होगा। यही तो है। अब हम प्रूफ में आते हैं। देखो प्रूफ में गैल्विन और सिमरत, ये देखो ये आपकी जो डायमीटर है ये कॉर्ड भी तो होती है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। यस तो यानी कि ये देखो ये टोटल एंगल कितना बना रहा है कॉर्ड आपका सेंटर पे, बोलो। व्हाट इज द एंगल ऑफ डायमीटर एट द सेंटर? व्हाट इज द एंगल ऑफ कितना? 60 अच्छा 60 कहाँ से हो रहा है? वन एटी नहीं हो रहा है। टोटल एंगल कितना है? मैं पूरे बीओडी, डायमीटर क्या है आपका बीडी, यानी कि बीओडी अगर ये लाइन है तो कितनी कितना एंगल बना रहा है? 180 तो बना रहा है ना, यस ठीक है। सो आप व्हाट यू विल राइट सर, लेट सपोज लेट ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स एसी एंड बीडी इंटरसेक्टिंग। ठीक है, ओ पे आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब गैल्विन और सिमरत ये देखो, आप लोगों को पता है कि जो सेंटर पे एंगल बनाता है कॉर्ड वो डबल होता है अगर आप कहीं भी बनवाओ तो उसका एंगल, बोलो यस और नो। अभी हमने थ्योरम की थी ना ये, कि सेंटर पे डबल होता है एंगल अगर आप कहीं भी पेरीमीटर पे एंगल जो कॉर्ड का बनता है, तो याद है ये? कैल्विन और सिमरत बोलो याद है आपको? किसी का रिस्पांस नहीं आ रहा मुझे, क्या बात है? बताओगे या नहीं? प्लीज बोलो। सिमरत गैल्विन कुछ तो बोलो यार, यस याद है आपको ये? हमने लास्ट क्वेश्चन कितने सारे क्वेश्चंस में किया था ये चीज, कि अगर आपका एंगल आपका सेंटर सेंटर पे अगर कुछ होता है तो आपका हाफ हो जाता है वो से पेरीमीटर पे, ये सेंटर पे, ये पेरीमीटर पे हाफ हो जाता है, बोले याद है ये? यस ठीक है। तो यानी यस कि एंगल BAD ये वाला एंगल ये हाफ होगा इस वाले एंगल के, बोलो ये सुन लो, क्योंकि ये सेंटर पे बन रहा है ये कॉर्ड, BOD कॉर्ड है आपकी, BD कॉर्ड है ये, कितना बना रही है? जब डबल बना रही होगी एंगल, और ये हाफ बना रहा होगा इसका। बोलो, यस ठीक है। सो एंगल यू विल राइट एंगल BAD विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल BOD। बोलो क्यों? एंगल सबटेंडेड, बंद एट द सेंटर इज डबल, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड इज डबल एट द सेंटर। आप अगर शॉर्ट में भी लिख दो ये भी, मतलब इतना काफी है, अगर लिख भी दोगे ये भी तो, ठीक है। इज डबल और ट्वाइस, जो भी आप लिखो, बोलो क्लियर है ये वाला पॉइंट? यस एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज ट्वाइस।
सो आपका एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू कितना है, हाफ ऑफ बी ओ डी की वैल्यू कितनी है, एंगल बी ओ डी की वैल्यू गैलवेन आप बताओ बी ओ डी की वैल्यू क्या है। बोलो सिमरत आप बताओ बीओडी की वैल्यू क्या है। 180। 180 है, ठीक है, वेरी गुड। सो हाफ ऑफ 180 क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है। अब ये इक्वेशन देखो, अब ये बीएडी की वैल्यू आपके आगे 90 डिग्री। अब एबीसीडी एक साइक एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके ऑपोजिट डाय इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा, बोलो यस और नो, यस। ठीक है। सो वी विल राइट ए बी सी डी ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 के बराबर, ये सुन लो। अब यस एंगल ए की वैल्यू क्या है, बी ए डी इज नथिंग बट ए ना, सो एंगल सी व्हाट विल बी लेफ्ट, 180 माइनस ए, एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री, व्हाट इज लेफ्ट, 90 डिग्री। इट मींस दैट यू कैन सी दिस थिंग, एंगल ए और एंगल सी आर बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। सो सिमिलरली यू कैन ऑल्सो प्रूव बी एंड डी आर ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली यू विल राइट सिमिलरली, आपको ये जरूरी नहीं है प्रूफ करके आगे ये शो करने के लिए, मतलब जैसे आपने ए और सी प्रूफ किया इट्स इनफ। सो यू विल राइट सिमिलरली एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। सो इफ ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू डी, कितना हो गया 90 डिग्री। So what you will write? A B therefore A B C D Now tell me, isn't it easy? सीए टाइप नहीं का देखो बताओ सुमरा, तो गैल्विन इज इंट इट इजी, हम लोगों को नहीं कुछ नहीं प्रूव करना था, सिर्फ सर्कल की प्रॉपर्टी यूज करनी थी। व्हाट इज दैट, बेसिकली द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट द पेरीमीटर, सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द पेरीमीटर, एम आई राइट, यही था ना कोई डाउट, क्लियर है, नो श्योर हो आप, यस ठीक है। सो यस यही क्वेश्चन था, देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ इसमें इतना कुछ मतलब कुछ भी देखो न्यू था करने के लिए, सब वही चीज रिपीट हो रही है देखो, या ठीक है। सो ट्राई टू बी लिटिल लाइक थोड़ा सा और फोकस करो और थोड़ा सा और लाइक ट्राई टू थिंक। सो द क्वेश्चन इज, चलो देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, What? या सो ये क्वेश्चन करना है कि लिया वी हैव टू प्रूव दैट, कुछ मिसिंग है क्या क्वेश्चन में, जस्ट अ सेकेंड, एंगल एसीपी माइनस एंगल हाँ सीसीपी आई थिंक जस्ट अ सेकेंड लेट मी चेक, कुछ इश्यू तो नहीं है, लाइक मिस प्रिंटिंग तो नहीं है, इक्वल है साइन बच्चे, इक्वल्स का साइन है ये, एक्चुअली थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है ये, इक्वल्स का साइन है ये आपका, ठीक है, तो ये आपका साइन है इक्वल्स का, एसीपी इज इक्वल्स टू क्यू सी डी। नहीं।
ट्राई करो थोड़ा सा, आपके दो एंगल्स सर्कल से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट बी। तो आपके प्रूव करना है कि एंगल एसीपी, ठीक ठीक बोलो सिमरत, गैलवेंट हुआ? I don't understand the question. क्वेश्चन नहीं समझ में आया अभी? Yes, चलो you're right. ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ये, आप सबसे पहले आप इस क्वाड को ज्वाइन करो। आपको प्रूव करना है कि आपका ये वाला एंगल इक्वल से ये वाले एंगल की। अब देखो वो कैसे प्रूव होगा, लेट्स सी। सो ये डी क्यू क्वाड है आपकी, ठीक है, अब गैल्विन और सिमरत देखो, आपकी ये कॉर्ड है डी क्यू, सॉरी एपी, पहली कॉर्ड है आपकी एपी। अब इस कॉर्ड में देखो आपके दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ट्राइंगल ए पी बी, ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल, और एंगल ए सी पी, एंगल ए सी पी। अब ये बताओ इस वाले सेंटर की बात करते हैं, ये वाला सेंटर, ये वाला सर्कल हटा दो अभी आप, इस वाले सर्कल की बात करो, ये एंगल और ये एंगल क्या इक्वल नहीं होंगे, पी बी ए और एंगल ए सी पी या पी सी ए, बोलो जल्दी से, इक्वल होंगे या नहीं? होंगे अब बता दो क्यों होंगे। जल्दी जल्दी से बताओ, थोड़ा फिगर देखो, फिगर बहुत सिंपल है। देखो अगर आप ये वाला सर्कल हटा दो ना, ये देखो ये ट्राइंगल और एक ट्राइंगल, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट नहीं है ये, पी बी और पी सी ए, बोलो ये सुनो। अब ये देखो एंगल पी बी ए और एंगल डी बी क्यू, ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है या नहीं? है ना, देखो चलो ठीक है। सो हमें सबसे पहले यही चीज देखनी थी, फिगर बहुत डेंजर लग रही है बट क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो गिवन आपका गिवन है, आपका गिवन क्या है कि एपी 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 एंड डी क्यू आर कॉर्ड्स, ठीक है। टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, प्रूफ की बात करते हैं।
प्रूफ की बात करते हैं। अब देखो ट्राई, अब देखो एंगल ए बी पी और एंगल ए सी पी इक्वल होंगे या नहीं? होंगे क्यों? एंगल सेम से एंगल ए बी पी, एंगल ए सी पी, एंगल्स इक्वेशन वन हो गई हमारी है। अब देखो एंगल, एंगल बी डी क्यू विल बी इक्वल टू एंगल पी ए पी, ए बी पी, यस और नो? और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यस ठीक है सब। सॉरी ये वाला अभी रहने देते हैं, वाला पहला ये वाला देख लेते हैं। एंगल डी बी क्यू और एंगल डी सी क्यू, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, बोलो यस और नो? यस तो ये भी इक्वल होंगे, यस एंगल डी बी क्यू विल बी इक्वल टू एंगल डी सी क्यू। यहाँ पे मैं और लिख देता हूँ ज्वाइन, हम लोगों ने ज्वाइन किया ना एपी एंड डी क्यू, ठीक है तो ये क्लियर है। अब ये बताओ गैल्विन और सिमरत, एंगल डी बी क्यू विल बी इक्वल्स टू एंगल ए बी पी, बोलो यस और नो? यस ठीक है, वाई? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब देखो कैन आई राइट, कैन आई राइट डी बी क्यू, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे ए सी पी है, ए सी डी लग रहा था। अब देखो मुझे प्रूफ करना है कि भाई एंगल ए सी पी और एंगल डी सी क्यू इक्वल, क्यू सी डी इक्वल है, क्यू सी डी है, क्यू सी डी है, डी सी क्यू बोल लो, बात एक ही है, ठीक है? क्योंकि एंगल मिडल वाला एंगल आना चाहिए ना, बीच में हम डी सी क्यू बोले या क्यू सी डी बोले, बात एक है। अब गैल्विन और सिमरत ये देखो भाई, हाँ अब डी बी क्यू की जगह कैन आई राइट ए बी पी, हाँ यस और नो? डी बी, क्योंकि हाँ दोनों इक्वल है ना। देखो अगर सेकंड और थर्ड इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करोगे, देखो सेकंड और थर्ड इक्वेशन को अगर कंपेयर करो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो गया या नहीं? यस फ्रॉम इक्वेशन वन एंड एक, सॉरी वन ने टू एंड थ्री, ठीक है? तो कैन आई राइट एंगल क्यू सी डी, डी सी क्यू को मैं क्यू सी डी कर देता हूँ, चलो यस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही रख लेते हैं, क्यू सी डी, क्यू सी डी विल बी इक्वल्स टू एंगल ए बी पी, बोलो यस और नो? ठीक है, फोर्थ इक्वेशन हो गई आपकी। अब ये फोर्थ इक्वेशन है आपकी, क्यू सी डी ए बी पी के इक्वल है। अब देखो फोर्थ इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को कंपेयर करो, ए बी पी ए सी पी के इक्वल है और ए बी पी क्यू सी डी के इक्वल है, तो क्या ए सी पी और क्यू सी डी इक्वल ही होंगे एक दूसरे के? होंगे होंगे ना। सो अगेन फ्रॉम इक्वेशन वन, एंगल ए सी पी विल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू सी डी, यही तो प्रूफ करना था आपने, बताओ। टफ था ये क्वेश्चन? बस फिगर आपको दिखने में बहुत टफ लग रही थी, सच बताओ यही था ना? फिगर यस ऐसे लग रहा था ना, क्या दे दिया इन लोगों ने या कि कैसे सॉल्व होगा समझ नहीं आ रहा हाँ फिगर्स चलो ठीक है कोई बात नहीं, वेरी कंफ्यूजिंग फिगर्स वेरी कंफ्यूजिंग, आई नो दिस थिंग, ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको। कितने क्वेश्चंस को आपके क्यों अब क्या हुआ सिमरत, मजा नहीं आ रहा? आ हाँ तो अभी तो क्वेश्चन करेंगे ना, रहे अभी तो है 15 मिनट्स, तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे अभी, कुछ और करना आपने? आज अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, ये आप ठीक है, सो ये ट्राई करो एटलीस्ट, ये थोड़ा सा ट्राई करो। दो राइट एंगल ट्राइंगल है आपके, हाइपोटेनियस इज कॉमन, ओके
तो आपको प्रूव करना है एंगल सीएडी और सीबीडी बराबर है। देता हूँ इंफिनिटी के नाम से कुछ हुआ सॉल्व, कुछ समझ में आया क्वेश्चन, क्या फिगर ड्रॉ होगी, कैसे होगी? ठीक है या चलो, तो करो फिर। अगर थोड़ा सा जस्ट सेकंड, मुझे ये डायग्राम पेस्ट करना है। बियॉन्ड सी द एमेज विल बी फाउंड इट इज आई थिंक समर इज ऑल्सो टेकिंग क्लासेस राइट, यस विच विच सब्जेक्ट? केमिस्ट्री अच्छा, केमिस्ट्री। आई हाँ केमिस्ट्री, आवे सर इज स्टडिंग टीचिंग दैट। फील यू टीच मी यू टीच मी फ्रेंड्स ओके Eat this, bro. Eat this. So, इस टाइप की कुछ फिगर बनेगी आपकी। यू आर यंगर थ्योरम से तो हो रहा है ना थ्योरम से? चलो आप बताओ कैसे कर रहे हो आप ये लोग, आप क्वेश्चन ही वाला बताओ मुझे। चलो फर्स्ट एंगल बी इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री क्या क्या क्या, एक बार और सुमरत प्लीज रिपीट। एंगल बी इक्वल एंगल डी इक्वल 90 डिग्री एंगल बी इक्वल एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। या ये कॉमन, हाइपोटेन्यूस कॉमन होना चाहिए ना आपका एसी। ठीक ठीक है ठीक तो अब जरा सोचो कैसे होगा। आई डोंट नहीं है पता देखो थोड़ा, हाँ इसकी नेमिंग मुझे थोड़ी सी चेंज करनी होगी। यहाँ पे बी की जगह सी आ जाएगा आपका, ये आपका ए बी आ जाएगा, ये आपका डी आ जाएगा। अब देखो यहाँ देखो सिमरत, तो गैल्विन एंगल ए बी सी, ये एक 90 डिग्री एंगल है, बोलो यस और नो। ठीक है, यस एंगल यस आई बी सी डी ये 90 डिग्री हो जाएगा आपका, बोलो यस और नो। हर्ड बी टू डी जो रुको ना जरा, आपका ए सी है ना? यस मैम हाँ सॉरी, ये वाला है, इस वाले एंगल को छोड़ दो, ये वाले एंगल की जगह हम लोग लेते हैं क्योंकि हमें कॉमन हाइपोटेनस चाहिए ना।
देखो सिमरत और गैलविन, अगर हमें कॉमन हाइपोटेनस चाहिए, देखो एबीसी में सी आ रहा है और कौन से एंगल में सी आ रहा है, एंगल एडीसी में, इसी कॉमन आ रहा है ना, एबीसी और एडीसी कॉमन, एसी आ रहा है ना, हाइपोटेनस कॉमन होना चाहिए, ठीक है। सो हाँ, तो सबसे पहले हम लोग गिवन चीज देखते हैं, गिवन एंगल हम लोग बी और एंगल डी आपका 90 डिग्री है, ये तो आपका 90 डिग्री हुआ, गिवन है, ठीक है। और क्या आपको प्रूव करना है, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी बी डी, ठीक है। हम लोग प्रूफ की बात करते हैं। अब प्रूफ में देखो गैल्विन और सिमरत, प्रूफ में देखो एंगल, अगर हम ट्राइंगल ए बी सी ले लें, ए बी सी, तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस 90 डिग्री 180 के बराबर होगा या नहीं, ए बी सी एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 180, बोलो ये सुनो, आपका ए बी सी कितने के बराबर है, 90 के बराबर है ये वाला एंगल, तो ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, एंगल बी ए सी प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्लियर है। तो अब देखो एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी कितना आ गया आपका, 90 डिग्री के बराबर, ये इक्वेशन नंबर आपके 1 हो गई, समझो, ठीक है। यानी कि आपका एंगल बी ए सी आपका बी ए सी और बी सी ए आपका ए सी बी या बी सी ए, सेम बात है, 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। अब देखते हैं सिमिलरली इन ट्राइंगल ए डी सी, अब इन ट्राइंगल ए डी सी ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये 180 के बराबर होगा, हो गए या नहीं बताओ, एंगल बोलो ये सुनो, डी ए सी प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए सी डी विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, यस और नो गैलन और सिमरत, ए डी सी इज इक्वल्स टू कितना है, 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। आप ऐसे मत लिखना एग्जाम में, मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको हाईलाइट करके, ठीक है। कभी आप भी ऐसे ही क्रॉस मार दो तो टीचर कहे कि चलो ठीक है बेटा तुम्हारा भी क्रॉस, ठीक है। तो डोंट डू दिस थिंग इन द एग्जाम्स, ठीक है। थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए मैंने ऐसे किया है, ठीक है। सो जस्ट 180 डिग्री, तो आपका एंगल डी ए सी प्लस ए सी डी कितना बचा, यस और नो, ऐड द इक्वेशन 1 एंड 2। अब हम लोग ऐड क्यों कर रहे हैं अभी मैं बताता हूँ आपको, इक्वेशन 1 और 2 ऐड करने पर आपको मिलेगा एंगल बी ए सी प्लस एंगल डी ए सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, 90 प्लस 90 कितना हुआ गैल्विन और सिमरत, 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो एंगल बी ए सी और एंगल डी ए सी, क्या ये पूरा एंगल ए नहीं है, ये होल एंगल नहीं होगा, ये आपका एंगल ए हो रहा है ना, देखो दोनों में मिडल वैल्यू क्या आ रही है, ए आ रही है, बोलो यस और नो, बोलो, ठीक है। और ये वाला एंगल जो बच रहे हैं आपके दो, ये आपके क्या होंगे, एंगल सी, मिडल एंगल क्या है सी, तो ये होल एंगल सी होगा, क्लियर है। सो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो गैल्विन और सिमरत ये देखो, अगर आपके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है, तो इजेंट इट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और एक चीज और, आपका एंगल बी और एंगल डी 90 के बराबर है, अगर एंगल बी और एंगल डी को ऐड करो, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3rd है, ठीक है। सो अगर आप एंगल बी एंगल डी को ऐड करो 90,
+90 कितना आ रहा है आपका, 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर फोर, ये देखो एंगल बी और एंगल ए प्लस सी और ए प्लस डी, क्या ये थ्री थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशंस आप ये नहीं कह सकते कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर सम अप टू 180 डिग्री। यस यस और नो बोलो। सो यस यू विल राइट फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब आप देखो आपको ये प्रूव करना था कि भाई एंगल सी ए डी और सी बी डी बराबर है। अब एंगल सी ए डी बात कर, एंगल सी ए डी ये एंगल, अभी थोड़ा सा इसको जो ना मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे फिगर में थोड़ा सा इसको, ठीक है यहाँ पे ले आते हैं हम लोग। ठीक है तो हम लोग सर। यहाँ पे लेके आते हैं, मैं इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ। ठीक है तो इरेज, तो ये वाला ठीक है, एंगल आपको सी आपको सी ए डी चाहिए था और एंगल सी बी डी चाहिए था ना, सी बी डी। हाँ तो सी बी डी, अब ये वाला एंगल हम लोग हटा देते हैं, हम लोग यहाँ लाइन ड्रॉ करते हैं एक। नो ठीक है नो तो अब आपको चाहिए एंगल सी बी डी, यानी कि ये एंगल। अब गैल्विन ओके और सिमरत, अगर मैं ये लाइन हटा दूं और ये आपकी कॉर्ड है, इजेंट इट सेम, बिकॉज इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, एंगल मेड ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अभी हमने पीछे भी किया था ये सेम चीज, बोलो यस और नो। जस्ट आउट तो यही आपको तो प्रूफ करना था, अब समझ में आया क्वेश्चन, कोई यस डाउट गैल्विन और सिमरत? यस श्योर। अच्छा एक बात बताओ, डाउट नहीं होता, समझ में भी सब आता है, फिर कर क्यों नहीं पाते आप लोग, ये बताओ मुझे। चलो बिकॉज़ देखो मैं जब समझाता हूँ आप कहते हो कि ठीक है समझ में आ गया, आई एग्री कि हाँ समझ में आ गया, बट उसके बाद क्या हो जाता है जब मैं क्वेश्चन देता हूँ तो सॉल्व करने के लिए, व्हाट हैपन उसके उसके बाद? चिड़िया उड़ बाद जाती है हम फिर पैनिक हो जाते एंड कंफ्यूज हो चिड़िया उड़ जाती है फिर। हाँ जाते। ठीक है चलो चलो देखो फिर। सो एबीसी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो यू विल राइट, जस्ट अ सेकेंड, तो एबीसी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सो एंगल सी ए डी विल बी इक्वल्स टू एंगल सेम सेगमेंट। सो यही तो प्रूफ करना था आपको, हैंस आप बताओ क्लियर है आपको ये या नहीं, प्लीज लेट मी नो। गैल्विन और सिमरत यस कोई डाउट इसमें? नो श्योर या देख लो यस या कर दिया, बट आप फिर सॉल्व भी नहीं करते हो आप लोग हम आधा सॉल्व करते हैं उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता। देखो क्वेश्चन टफ था, चलो ये बताओ क्वेश्चन ऐसी चीज थी जो हम नहीं कर सकते थे, कितना आई डिड बट आई कर लिया था डिड आपने? चलो ये बताओ सिमरत, किया था, प्रूफ हो गया था, बट अच्छा प्रूफ हो गया था सच में? 5 लाइन का प्रूफ था। 5 लाइन का प्रूफ था यार, ये तो बड़ा शॉर्ट प्रूफ हो गया, ये 5 मार्क्स का या क्वेश्चन होगा ये आपका पूरा। ठीक है आई डिड लाइक 2 मार्क्स आपने क्वेश्चन दो बट मार्क्स किया, 3 मार्क्स उड़ जाएंगे। या बट क्लियर है? करेक्ट आंसर नो आई प्रूफ सो आप समझ में आ गए गैल्विन, आपको आप हो क्लास में गैल्विन? गैल्विन क्या बात है, आज आपकी आवाज नहीं आया सुनने में आई, सर फाइन आपकी तबीयत तो ठीक है, क्लियर यस सर इट्स क्लियर है? वन ठीक है
सो ठीक है, सो अब चैप्टर इज डन, ठीक है चैप्टर इज डन। आई विल ट्राई कि अगर एक क्लास और रख सकूं मैं, इफ देखो चैप्टर तो डन हो गया, बट हमारा बस मैं सोच रहा हूँ कि अब रिवीजन में, या फिर वैसे तो ये क्वेश्चंस आपके रिवीजन में भी होंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। लेट्स सी, अगर लाइक आई विल ट्राई टू शेड्यूल द क्लास ऑन सैटरडे या फिर ट्यूसडे को, कमिंग ट्यूसडे या सैटरडे, तो हम लोग, मैं एक क्लास ट्राई करूंगा, कोशिश की आपकी शेड्यूल कर लूँ मैं अपने साथ।